यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके द्वारा किए गए अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। पापा, मुझे मिस मत करना। नमस्कार, मैं हूँ पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी हिंदी में। एक बेटी का ये मैसेज अपने पिता को पहुँचता है और उसके कुछ समय बाद ही माँ को एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी छत की तीसरी मंजिल से कूद गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये बेटी थी रशिका जैन, वही रशिका जैन जिसके लिए आज सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अभी आयशा सुसाइड केस लोगों की आंखों से ओझल हुआ ही नहीं था कि सामने आ गया रशिका का ये नया केस। वही रशिका जिसके लिए ट्विटर पर जस्टिस फॉर रशिका की बाढ़ लगी हुई है, वही रशिका जैन जिसे गुजरात की आयशा खान के बाद लोगों की गुहार लगी हुई है कि इंसाफ दिलाया जाए। कोलकाता अलीपुर की 25 साल की रशिका जैन की शादी 9 फरवरी 2020 को एक बड़े उद्योगपति के साथ हुई थी। इस उद्योगपति का नाम था कुशल अग्रवाल। आपको बता दें, इस शादी में रशिका जैन के पिता ने बेटी के खर्चा उठाने के साथ साथ 7 करोड़ का दहेज भी दिया था, लेकिन इस पिता के सारे पाप उसकी बेटी के साथ ही चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ग्रैंड शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिका को अपनी जान देनी पड़ी। ये एक वो सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। जबकि रिजॉर्ट्स और होटल्स के मालिक कुशल अग्रवाल के साथ रशिका जैन का जीवन अभी शुरू ही हुआ था। अभी इनकी शादी को महज 1 साल भी नहीं हुआ था कि रशिका अपने माता पिता के घर वापस आ गई। उसने अपने पिता को पति द्वारा टॉर्चर किए जा रहे सारे अत्याचारों को बताया और साथ ही ये भी कहा कि अब वो वापस अपने ससुराल पति के साथ नहीं जाएगी। बेटी की इन सब बातों को सुनकर शुरुआत में रशिका के माता पिता उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके ससुर ने रशिका के पिता को फोन किया। रशिका के ससुर ने कहा कि दंपति को एक मौका दिया जाए। इस बात को सुनकर उसके माता पिता ने कुछ चर्चा की और उन्होंने ये निर्णय लिया कि फिर से वो अपनी बेटी को एक बार वापस भेज देंगे। इस बात के होने के बाद रशिका फरवरी में फिर से अपने ससुराल वापस चली गई। और इस प्रकार एक पिता ने अपनी मासूम बेटी को इसलिए ससुराल वापस भेज दिया कि शायद अब बेटी के साथ वापस ऐसा सुलूक ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 16 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ कि इस परिवार पर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो रशिका के पिता को उसका एक मैसेज आया और उसके ठीक 15 मिनट के बाद रशिका की माँ को एक फोन कॉल आया, जो कॉल था रशिका की सास का। उनका कहना था कि रशिका छत की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई है और अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। अब आगे यूं होता है कि परिवार अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेटी को सफेद कफन में लपटा हुआ देखकर टूट जाता है। बिटिया भगवान के पास जा चुकी थी और इसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला। अब तक आत्महत्या समझे जाने वाला यह केस उस समय नया मोड़ ले लेता है जब रशिका के पिता अपने ही दामाद कुशल अग्रवाल के खिलाफ ये बात कह देते हैं कि कुशल अग्रवाल उसे मारता पीटता था और दहेज के लिए उत्पीड़न करता था। इतना ही नहीं, महेंद्र जैन यानी कि रशिका के पिता आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहते हैं कि उनका दामाद कुशल अग्रवाल ड्रग्स भी लेता था। वो कहते हैं कि शादी के बाद कुशल रशिका को दहेज के लिए मारता पीटता था और बोलता था कि मायके से दहेज लेकर आए, और जब रशिका ऐसा करने के लिए मना कर देती थी तो वो उसे बहुत टॉर्चर करता था। उनका ये भी कहना था कि कुशल अग्रवाल बिना किसी वजह के रशिका के साथ लड़ाई किया करता था। साथ ही रशिका से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि पिछले साल नवंबर के महीने में रशिका के माता पिता उसके दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए और उससे जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए रशिका के ससुराल भी गए थे, पर इसके बाद भी उसके ऊपर की जाने वाली यातनाएं बंद नहीं हुई। जब लगातार रशिका पर पैसों की डिमांड और अत्याचार बढ़ता रहा तो 5 जनवरी 2021 को वो फिर से वापस अपने घर आ गई। पिता के सभी आरोपों के बाद रशिका का ससुराल पक्ष इन सभी आरोपों को खंडन कर रहा है। कुशल के पिता का कहना है कि 16 फरवरी को जब ये घटना हुई तो वो और उनका बेटा दोनों ही घर पर नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उनके लड़के पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि रशिका उनके घर की बहू नहीं बल्कि बेटी थी, लेकिन मासूम रशिका के पिता उनके ससुराल पक्ष की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके बयान के मुताबिक जब 13 फरवरी को रशिका को उन्होंने समझा कर वापस ससुराल भेजा था तो उसके पति ने उसे 3 दिनों तक इतना टॉर्चर किया कि उसे मौत के घाट उतरने पर मजबूर होना पड़ा, जिस वजह से उनकी बेटी ने ये कदम उठाया। रशिका के पिता द्वारा दिए गए इन बयानों के आधार पर
फिलहाल अलीपुर पुलिस ने रशिका के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करने और साजिश रचने के खिलाफ दर्ज किया है। और साथ ही अलीपुर पुलिस ने घर के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस मामले की जांच को भी शुरू कर दिया है। क्या पकड़े जाएंगे रशिका जैन के असली कातिल, या फिर वो भी घूमते रहेंगे गुनहगारों की तरह, वो तो पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि सभी लोग रूबरू हो सके रशिका सुसाइड केस की गुत्थी से। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड टॉप न्यूज को सुनने के लिए फैक्ट्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।